ओके गाइस, सो दिस क्वेश्चन इज एडिटोरियल वीडियो ऑफ क्वेश्चन सी, चॉकलेट बनी कोड फोर्सेस राउंड 669 डिफ 2, एंड दिस वाज अ इंटरैक्टिव प्रॉब्लम. ओके, सो पहले तो देख के मुझे भी थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, इंटरैक्टिव प्रॉब्लम देख के. फाइन, सो बिफोर दिस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस थम्स अप बटन, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल. आई पोस्ट कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एंड वेब रिलेटेड वीडियोज. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू गेस अ परम्यूटेशन ऑफ लेंथ एन. ओके, अ परम्यूटेशन ऑफ लेंथ एन मीन्स दिस परम्यूटेशन विल कंटेन ऑल डिजिट्स फ्रॉम 1 to n. फाइन फाइन, नाउ इंटरेक्शन इन दिस प्रॉब्लम इज वी कैन गिव टू डिफरेंट इंडिसेस आई एंड जे, ठीक है, एंड इन रिप्लाई वी विल गेट पी आई मॉडुलो पी जे फ्रॉम द इंटरैक्टर. ओके, तो हमें कंपाइलर से पी आई मॉड्यूलो पी जे मिलेगा और हम पूछेंगे क्या आई एंड जे इंडिसेस उसको देंगे, ठीक है, इंटरैक्शन में. फाइन, एट मैक्स वी कैन डू 2n क्वेरीज, सो यू शुड फिट इन दिस कंस्ट्रेंट, कैन यू डू इट. तो हमें परम्यूटेशन पी बतानी है ऑफ लेंथ एन, एंड इन वन क्वेरी वी कैन गिव आई एंड जे एंड वी विल गेट पी आई मॉड्यूलो पी जे. फाइन फाइन, सो इंटरेक्शन ये जो है ये पढ़ लेना आप अच्छे से, ठीक है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, एंड यू कैन रीड दिस एंड पॉज दिस वीडियो एंड रीड दिस. ओके, इफ यू हैवन डन येट. नाउ इन फर्स्ट लाइन, ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें आई जे की क्वेरी देनी है, ठीक है. फाइन, वन थिंग, वन ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज लेट से वी हैव टू नंबर्स 8 and 5. ओके फाइन, लेट से इंडेक्स ऑफ 8 and 5 इज आई एंड जे, ठीक है. फाइन, सो इफ इन वन क्वेरी आई विल गिव आई एंड जे, ठीक है, देन ऑब्वियसली वी विल गेट आंसर 3. फाइन, एंड इफ आई विल गेट क्वेरी, आई विल गिव क्वेरी जे आई, देन ऑब्वियसली आई विल गेट 5, ठीक है. सो इफ यू सी कि इन दो क्वेरीज में, ठीक है, आई जे एंड जे आई क्वेरी में कोई एक जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, कोई एक नंबर होगा, ठीक है, ए आई और ए जे. अब वाई इज दिस हैपनिंग, लेट मी एक्सप्लेन. लेट से वी आर गिविंग ए मॉड्यूलो बी, ये हमारा आंसर 1 है, ठीक है, जो हमें कंपाइलर से रिटर्न में मिलेगा, एंड सेकेंड आंसर विल बी ऑब्वियसली बी मॉड्यूलो ए. ओके, लेट से दिस इज आंसर 2. फाइन, दीज टू आंसर्स वी विल गेट फ्रॉम कंपाइलर वेन वी विल आस्क क्वेरी आई जे एंड जे आई, ठीक है. फाइन, सो लेट से हमने जब ए मॉडुलो बी निकाला, ठीक है, एंड लेट सपोज ए इज ग्रेटर देन बी. ओके फाइन, तो लेट से ए इज 8 एंड बी इज 4, ठीक है, और बी इज 3. फाइन, वेन वी विल डू 8 मॉड्यूलो 3, इन ऑल केसेस वी विल गेट नंबर लेस देन 3 इन आंसर. ओके, इफ ए इज ग्रेटर देन बी. ओके, अगर ए बी से बड़ा है देन इन ऑल केसेस वी विल गेट आंसर ऑफ दिस क्वेरी, हमारा आई जे और ए और बी की कोई भी वैल्यू हो जाए, या फिर हमारी बस एक कंडीशन है कि ए अगर बी से बड़ा है, ठीक है, तो जो इसकी क्वेरी होगी ए और बी के रिस्पेक्ट में ना देखते हुए विल बी लेस देन बी ऑलवेज. ओके ओके, सो विल बी लेस देन बी ऑलवेज. ओके, सो ये चीज़ आई होप कि आपने ऑब्जर्व कर ली होगी, दैट वेन एवर वी विल मेक मॉडुलो ऑफ बिगर नंबर ए टू लेस नंबर बी, देन जो उसकी आंसर होगा, ठीक है, विल बी ऑलवेज लेस देन बी. फाइन, नाउ
वेन वी विल रिवर्स इट, ठीक है, इफ वी डू मॉड्यूलो ऑफ 3 एंड 8, दिस विल बी ऑब्वियसली डी, ठीक है, फाइन. सो इन टू केसेस ये जो आंसर होगा, ये आंसर वन है लेट्स से, ठीक है, एंड दिस इज आंसर बी, ठीक, दिस इज आंसर टू. तो जब ये आंसर बी से छोटा होगा ऑब्वियसली आंसर वन, एंड आंसर टू विल बी बी, सो वी कैन से दैट मैक्सिमम ऑफ आंसर वन एंड आंसर टू विल बी वन ऑफ आवर नंबर, ओके, विल बी इधर ए और बी. तो ये चीज आई होप आपको मिल गई होगी कि जो भी आंसर वन और आंसर बी का मैक्सिमम नंबर होगा वो या तो ए होगा या तो बी होगा. ओके, सो आई होप ये समझ में आ गया आपको, मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया आपको, ठीक है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक क्वेरी फॉर आई एंड जे, ठीक है, आई और जे की क्वेरी करेंगे, देन वी विल मेक क्वेरी फॉर जे एंड आई, एंड जो भी जो बड़ा आंसर होगा इट मीन्स कि वो हमारा नंबर है, ठीक है, दैट आंसर विल बी बड़ी वैल्यू वी विल बी स्टोरिंग इन इंडेक्स. ओके, अब नाउ इंडेक्स कैसे चेक करेंगे, देन वी आर डूइंग मॉड्यूलो आई जे. ओके, सो इट मीन्स कि हम ये क्या कर रहे हैं, लेट से वेन एवर वी आर डूइंग मॉड्यूलो आई जे, इट मीन्स वी आर डूइंग ए मॉड्यूलो बी. ओके, लेट से एंड ए मॉड्यूलो बी करने में इफ आंसर वन मिल रहा है, ओके, आंसर वन मिला, बी मॉड्यूलो ए करने में लेट से आंसर टू मिला. ओके, इफ आंसर वन इज बिगर, इफ आंसर वन इज बिगर देन आंसर टू, इट मीन्स दैट जो हमारी बी वैल्यू है वो जेथ इंडेक्स पे है. फाइन, ये चीज आपको मिल गई होगी. इफ आंसर वन इज बिगर, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, इफ आंसर वन इज बिगर इट मीन्स जो हमारी वैल्यू है, जो हमारा मींस जो एक्चुअल वैल्यू है जो हम एरे में स्टोर करवाएंगे विल बी एट इंडेक्स आई. वाई, क्योंकि ऑब्वियसली जो मतलब जो आंसर वन है, ठीक है, वो वैल्यू हमें स्टोर करवानी है अपने आंसर में, ठीक है, जो हम आंसर वेक्टर बनाएंगे, ठीक है, और परमुटेशन जो बनाएंगे, एंड इट मीन्स कि वो वैल्यू मॉड्यूलो में छोटी है. तो आई होप ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली होगी आप लोगों ने. इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. वैसे मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ये चीज़, ठीक है, एंड इफ आंसर टू इज बिगर देन ऑब्वियसली जेथ इंडेक्स पे हमारी वैल्यू है, ठीक है, फाइन. तो ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है, आई होप कि आपको भी समझ में आ गई होगी. फाइन, सो लेट्स डायरेक्टली सी द कोड ऑफ दिस क्वेश्चन. कोड ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, फाइन, हियर वी आर, वन सेकेंड, फाइन. सो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए तो एच केस रहेगा कि इफ n इज इक्वल्स टू 1 तो वी विल सिंपली प्रिंट 1, ओके, फाइन. नाउ वी विल टेक टू वैल्यूज x एंड y जो हमारे i और j हैं, देन ऑब्वियसली वी विल लूप फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, फाइन, क्योंकि y n माइनस 1, बिकॉज इन एवरी टू क्वेरीज वी विल गेट वन वैल्यू, ठीक है, एंड द अदर वैल्यू विल बी नॉट बी स्टोर्ड इन अवर आंसर वेक्टर. ओके, सो हमारे पास एक एक वैल्यू आती जाएगी और जो लास्ट में एक वैल्यू बचेगी ना इंडेक्स की, ठीक है, तो उस पर हम ऑब्वियसली n स्टोर करवा देंगे. ये चीज़ अभी आपको कोड से समझ में आ जाएगी. हमने दो रिजल्ट वन और रिजल्ट टू लिया, हमने क्या किया, आई जे की क्वेरी डाली, जे आई की क्वेरी डाली. इफ आंसर वन इज लेस देन, देन वी विल स्वैप इंडेक्सेस एंड वैल्यूज बोथ. इसमें हम क्या कर रहे हैं, बड़ी वैल्यू को किस में मेंटेन कर रहे हैं, रिजल्ट वन में, ठीक है, और उसका इंडेक्स एक्स में ऑब्वियसली, ठीक है, एंड
आफ्टर स्वैपिंग व्हाट वी विल डू, आंसर ऑफ इंडेक्स एक्स में हम क्या करेंगे, रिजल्ट 1 स्टोर करवा देंगे. देन अगेन वी विल सर्च फॉर इंडेक्स एक्स, सिंस अपना आंसर जो है वो अभी हमने सर्च नहीं किया है, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग इज कि वो हमारे दूसरे इंडेक्स के इक्वल ना हो, ठीक है. हम कोई एक ऐसा इंडेक्स निकालेंगे, फिर हम उस इंडेक्स के लिए क्वेरी डालेंगे, ठीक है, आई जे एंड जे आई. देन अगेन हमें बड़ी वैल्यू मिलेगी, हम उसको अगेन उस इंडेक्स पे स्टोर करवा देंगे. एंड देन वी विल सर्च फॉर नेक्स्ट इंडेक्स. एंड एट लास्ट हमारे पास एक इंडेक्स बचेगा वाई, ओके, विच इज नॉट स्टोर्ड येट. एट दैट इंडेक्स वी विल सिंपली स्टोर एन. नाउ फाइनली वी विल आउटपुट आर आंसर वेक्टर. सो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन. एंड अगेन इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन, प्लीज पुट अ थम्स अप इन दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो अलॉट. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग.